इनने भ्रष्टाचार का पैसा कमा रखा, इसलिए बड़े 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 रैलियां चाहे पैसा किसी भी प्रकार से लुटा रहे हैं या बांट रहे हैं, चाहे दारू की बात हो चाहे हो। बीजेपी वालों के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर डाल देते हैं और वो बड़ा साफ और सुथरा निकलता है, उसके पास कोई धब्बा नहीं मिलता। चाहे इन लुटेरों को भगाना है और विधानसभा में आम आदमी को पहुँचाना है। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मनजीत को तो फिलहाल बड़ौदा गाँव में है और उचियाना लक्का है। उचियाना लक्का में पवन फौजी जी जो लोकसभा अध्यक्ष हिसार से हैं वो मिल गए हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन बात कराएं जिंदगी जींद में, जींद को राजनीतिक गढ़ बना दिया, राजनीतिक राजधानी है, लेकिन अगर आज जिंदगी बात करा वो एरिया पिछड़े एरिया नू का नू पड़िया है। हर पार्टी आवा है, कोई ना कोई एजेंडा ये सब बनाया के लिया है कि जींद ने नू बना देंगे, जींद ने चंडीगढ़ बना देंगे, जींद ने जापान बना देंगे, जींद ने अमेरिका बना देंगे, इस तरह लीले आवे। लेकिन पन फौजी जी आज लोगों के बीच में रहें तो बातचीत करेंगे। आखिर इब आम आदमी पार्टी की बात करा तो आम आदमी नू को हम नू कर देंगे, बातचीत करें। राम राम जी। राम राम भाई। लोग बीच में फिर रहे हो, जींद में बार बार रैली अभी होने लग रही है, लेकिन अगर जींद की बात करो वो ही नूका नू जींद है आज भी पिछड़ा में, वो है जींद पिछड़ा जींद है। जींद जब हमारा हरियाणा और पंजाब अलग हुए, 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम, बिल्कुल थे, उन 7 डिस्ट्रिक्टों में जींद था। और आज भी जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे, जींद के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। जींद में बड़े बड़े नेता रहे हैं, आपने पता है 3-3 मंत्री रहे हैं जींद के, लेकिन जींद बिल्कुल बैकवर्ड है, ये राजनीति का शिकार रहा है जींद, इसलिए हमारा जींद बैकवर्ड है। इनको अमेरिका बना दें जींद ने, सारे आए कनू घर राजनीति कर रहे हैं। कल कुंडू साहब भी रैली कर रहे थे, बोलिया जींद में नू कर देंगे, और एक भाई है दिग्विजय चौटाला वो भी कह रहा था जींद ने राजधानी बना देंगे। सारे इसे सपने क्यों लेके आ, लेकिन जो जींद की जनता, जींद की जनता आज नू देखा जा किसी तक खुश नहीं, क्योंकि सारे झूठे वादे करके ले आए हैं। जींद की जनता ने देख लिया और मन भी बना लिया है, कोई जींद को राजधानी बनाता है, कोई पेरिस बनाता है, बड़े बड़े लुभावने नारे देते हैं। आने वाले समय में जींद का आदमी, आम जो लोग, मतलब आम कार्यकर्ता होगा, आम नेता होगा, जो देसी भाषा में बता दूं आपने, जो लोगों के डोला पते भोंखड़ी पाड़ पाड़ के वहाँ विधानसभा तक पहुँचेगा, वो हमारे आम लोगों का भला कर सकता है, वही जींद का सुधार कर सकता है। मतलब के इलाका है जो ये राजनीति गढ़ लाखों रुपये करोड़ रुपये रैली कराए इलाका, लेकिन वह के भला कर सके हैं। इनने भ्रष्टाचार का पैसा कमा रखा, इसलिए बड़े 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 रैलियां चाहे पैसा किसी भी प्रकार से लुटा रहे हैं या बांट रहे हैं, चाहे दारू की बात हो चाहे और दूसरी भी बातें हों, ये इनने पैसा कमा रखा है। जो आम आदमी है वो कहाँ से पैसा दे देगा, लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है इन लुटेरों को भगाना है और विधानसभा में आम आदमी को पहुँचाना है। उचियाना का कितना विकास हुआ है? उचियाना का विकास आज तक तो वही जैसे जींद की बात है वही उचियाना की बात है, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात हो, विकास के नाम पर तो ये मिलते नहीं है, वोट लेने के नाम पर मिलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की उचियाना की बात हो। जैसे लोहे उद्योग क्या बोलते हैं, इस्पात मंत्री था, इस्पात मंत्री था, एक बोलता था उचियाना के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दूंगा मैं, आज तक तो मैंने तो कोई फैक्ट्रियां देखी नहीं, आपने देखी हो तो बता दो। पहला केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन ये बड़ी पावर है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाले, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं। डिप्टी सीएम ने भी वही काम किया, ये इसको वोट दिया था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया। एक वो बोलता था ये जमुना पार है, एक बोलता था 75 पार हैं, और दोनों अपने यार एक जगह जाके बैठ गए। तो लोग समझ चुके हैं, एक बार तो धोखा खा जा रहे हैं, लेकिन बार बार धोखा खाने वाला काम अब की बार उचियाना हल्का नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी बात करा दिल्ली में शराब घोटाला में भी नाम आ रहा है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं मन्ना भी कोई डर नहीं अगर जेल में ठोकेंगे तो। ये राजनीति का एक षड्यंत्र है, आज तक देखो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये बात कही, भाई आपका जो मुकदमा है वो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, लेकिन फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा, राजनीतिक प्रेशर है। कोई भी सबूत लेके आओ इनके खिलाफ, एक भी सबूत आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं मिलते, लेकिन चाहे ईडी की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, चाहे हरियाणा में भी ये खट्टर जहाँ भी रैली करता है, इसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देखते हैं, भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यही आवाज़ उठाएंगे, ये आपसे सवाल पूछेंगे, ये सवालों से भी भागते हैं। और आपने शराब घोटाले की बात की, हरियाणा के अंदर एक शराब घोटाला हुआ था, आज तक उसका तो खुलासा हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार है।
अनिल भी जी ने कहा था कि जांच होगी, लेकिन आज तक वह जांच जांच के नाम रहेगी बस। बता दिया ना, ये बीजेपी की गोद के अंदर बैठे हैं। जो व्यक्ति बीजेपी के अंदर चला जाता है, बीजेपी वालों के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर डाल देते हैं और वो बड़ा साफ और सुथरा निकलता है, उसके पास कोई धब्बा नहीं मिलता। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात और चाहे दूसरे नेताओं की बात हो, जिसने बीजेपी की शरण ली है वो साफ और सुथरा है, और जो बीजेपी के खिलाफ है या आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं वो सारे भ्रष्ट और करप्ट हैं, इनका ये कहना है। फिर 24 में किस तरह रहेगी आम आदमी पार्टी? 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे दिल्ली में बनी, जैसे पंजाब में बनी, और हरियाणा के अंदर भी पूरी तरह से प्रचंड बहुमत आएगा और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली के अंदर कार्य हो रहे हैं, वही विकास कार्य हरियाणा के अंदर भी होंगे। लोग आंख उठाकर देख रहे हैं दिल्ली की तरफ। बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार। बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होगा, जमानत बचेगी, टिकट लेने वाले भी नहीं मिलेंगे बीजेपी के। तो आप तो बोल रहे तीसरी बार सरकार, ये तो विनाशकारी सरकार है, इसका तो खात्मा हो चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब विधानसभा भंग हो, कब इलेक्शन हो, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जैसे देसी भाषा में बताता हूँ, भेड़ा के ऊपर तो सिंह चले गए, ऐसे बीजेपी के नेता मतलब हरियाणा से चले जाएंगे। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल खट्टर जी के कुकर ला गए हैं, बचा सकेंगे अपनी सीट? मनोहर लाल के कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बचा पाएगा। मनोहर लाल का तो हेलीकॉप्टर करनाल में नहीं उतरने दिया था लोगों ने, और अब बड़े दुखी हैं करनाल के अंदर लोग। वो तो मुख्यमंत्री की वजह से किस प्रकार से बन गए, इनका भाग और किस्मत ही, अभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चलो जी, धन्यवाद, लगे रहो काम पर। चलो धन्यवाद। तो बिल्कुल भाई, बहुत से वादे करे जाओ, लेकिन जींद की धरती की हमें बात कर रहे हैं। जींद में आवा है बहुत से भाई रैली कराए, कोई थी पेरिस बना हुआ है, कोई अमेरिका बना, कोई चंडीगढ़ बना, कोई थी राजधानी बना हुआ है, यानी बहुत सी बातें उड़ा हुआ है। तो राजनीति गढ़ है जो जींद के लोग हैं किस पर विश्वास जतावेंगे, उचियाणा के लोग हैं किस पर विश्वास जताएंगे, तो आपने भी अपने कमेंट राय में जरूर देनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।